हेलो एंड वेलकम टू ओनली माय हेल्थ। मैं हूँ वानी मलिक। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल की। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कपूर मेदांता गुरुग्राम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। इट्स माय प्रिविलेज, थैंक यू। तो डॉक्टर, जैसे आपने बोला, व्हाट वी ईट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम लोग जब भी हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, सोडियम इनटेक पे बहुत स्ट्रेस रहता है। दैट व्हाट इज द सॉल्ट इनटेक दैट वी डू, हम लोग कितना सॉल्ट खाते हैं एक दिन में, किस किस फॉर्म में सॉल्ट खा रहे हैं, तो सोडियम और हार्ट हेल्थ का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब क्या हुआ, जो एक रिस्क फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है बाकी सब जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा, वो है हाई ब्लड प्रेशर। सो इफ यू नाउ टेक द ब्लड प्रेशर ऑफ एनी सेगमेंट, एनी सबसेट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग यूथ, अगर 25 से 35 साल की एज में भी आप 1000 यूथ का ब्लड प्रेशर लेंगे, तो आई एम श्योर 40-50% ऑफ दिस सबसेट विल ऑल्सो हैव अ हाई बीपी। सो हाई बीपी इज अ साइलेंट किलर, उसका पता नहीं चलेगा बॉडी में। अगर बीपी हाई है, यू आर नॉट फीलिंग एनी सिम्टम्स, देयर मे नॉट बी एनी सिम्टम्स, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट इज प्रीडिस्पोजिंग दैट इंडिविजुअल टू अ बैड हार्ट हेल्थ, टू अ बैड किडनी हेल्थ, टू अ रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक्स। तो ये सारी चीज़ें, ऑर्गन डैमेज हाई बीपी से ओवर द ईयर्स बढ़ता है। सो अपना बीपी अर्ली स्टेज से ही चेक कराना शुरू करें। एंड कई बार क्या होता है, अगर किसी का बीपी 145 या 90 है तो लोग मानते हैं नहीं नहीं ये तो थोड़ा सा हाई। नो, दैट इज़ अ मिथ। हाई बीपी इज़ हाई बीपी, चाहे वो 10% हाई है, चाहे वो 40%। अगर 50% हाई है तो यस, रिस्क इज हायर, बट 10% हाई है तो भी लॉन्ग रन में आपका रिस्क बढ़ रहा है। सो इवन इफ इट इज मोर देन 140 एंड 85, वन शुड बी कॉशियस। उसको पहले डाइट कंट्रोल से हम लोग मानते हैं, उसमें आता है सोडियम का रोल जी। सो समहाउ इंडियन डाइट इज एक्सेस इन सॉल्ट। सॉल्टी स्नैक्स ले लें, बिस्किट्स ले लें, या प्रोसेस्ड फूड बहुत है, बहुत आने लगा है अभी, तो हर प्रोसेस्ड फूड बिना सॉल्ट के एडिशन के नहीं बन सकता जी। किसी भी फूड जिसका शेल्फ लाइफ एक हफ्ता से ज़्यादा होगा, इवन ब्रेड एक हफ्ता से ज़्यादा शेल्फ लाइफ है, इट हैज़ टू हैव अ सोडियम इनसाइड। सो दैट इज, दैट कैन नॉट बी विदाउट सोडियम। तो समहाउ आर सोडियम इनटेक इज मोर देन व्हाट नॉर्मली वी शुड हैव, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस्ड फूड। सो प्रोसेस्ड फूड को कम से कम रखें। जो फ्रेश फूड है या फ्रूट्स हैं या कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स घर में बन रही हैं, सैलड्स हैं, दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा सोडियम। कंजम्पशन ऑफ दीज फ्रेश फूड्स शुड बी हायर देन द प्रोसेस्ड फूड। दिस सिंपली टेक्स अवे द सोडियम। और देन स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स हु हैव हाई हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, द हाई सोडियम कंटेंट इज इन पिकल, अचार, चटनी, सॉस, पापड़, ये सब बहुत हाई कंटेंट है, और समहाउ इसका कंजम्पशन भी बहुत हाई है। सॉल्टी स्नैक्स जी, यू नो, इन सबको कंजम्पशन को कम करने की ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट डू दैट, वी आर एक्सपोजिंग आर सेल्व टू हाई बी पी, विच मे और मे नॉट बी डिटेक्टेड बिकॉज हम चेक ही नहीं कराते हैं। तो वो हाई बी पी ओवर द ईयर्स इज मेकिंग आर सेल्स वल्नरेबल फॉर ऑल द बैड हार्ट हेल्थ। सो आज थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर मेदांता गुरुग्राम से। आपके अगर कोई भी सवाल है हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, प्लीज़ हमें लिखें एंड वील गेट यू द बेस्ट ऑफ द एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर रजनीश कपूर इट सेल्फ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बींग हियर विद अस। थैंक यू, इट वॉज ऑनर एंड आई रियली एंजॉयड द शो। थैंक यू सो मच सर। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए ओनली माई हेल्थ के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.